चैप्टर टू क्वेश्चन नंबर 2.19 द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलेक्स इन द सेक्शन 2.3.1 इज यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ वेरी डिस्टेंस स्टार द बेस लाइन ए बी इज द लाइन जॉइनिंग अर्थ टू लोकेशन 6 months अपार्ट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन दैट इज द बेस लाइन इज अबाउट द डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे डायमीटर जो दिया गया है दैट इज इक्वल टू 3 × 10^11 मीटर। नेक्स्ट पार्ट However, even the nearest stars are so distant that with a such long baseline, they show parallax of only of 1 second. तो 1 second के लिए हमने रेडियन जो एंगल रेडियन में लिखा था वो होता है 4.847 × 10^-6 रेडियन हमारे पास वैल्यू होती है। ए पार्सेक इज कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो ए पैरलैक्स ऑफ 1 second ऑफ आर्क फ्रॉम द अपोजिट एंड्स ऑफ बेस लाइन्स इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन हाउ मच इज पार्सेक इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो यहाँ पर अगर हम अर्थ की रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी 1.5 × 10^11 मीटर हमारे पास आ जाएगी। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि स्टार की डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है डी है कैपिटल डी मान लेते हैं जिसको हमने क्या बोला है एक पार्सेक। अब अगर हम पार्सेक की डेफिनेशन लिखें तो वो डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी पार्सेक इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 second। तो ये हमारे पास अगर एंगल की डेफिनेशन से देखें तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा आर बाई डी। तो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो ये हमारे पास हो जाएगी आर बाई थीटा दोनों की वैल्यू रखते हैं 1.5 × 10^11 / 4.847 × 10^-6 जिसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3.09 × 10^16 मीटर। तो डी यानी कि हमारे पास क्या किसकी वैल्यू है 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज इक्वल 3.09 × 10^16 मीटर।